जो यो भाई लोग, कैसा आप सभी लोग, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना या सॉरी आरिश खान। तो सबसे पहले तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया फटाफट कर दो चैनल को सब्सक्राइब, जिन भाइयों ने नहीं किया। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साथ में बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सभी लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई की जो वीडियो आ गई। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है एक मेरे एक फ्रेंड की शादी आ रही है, मुझे उसकी शादी के लिए जो है कपड़े खरीदने हैं। तो मैं सबसे पहले कपड़े वपड़े खरीदने जा रहा हूँ दोस्तों। और आज मैं आपको बता दूँ एक न्यू कंपनी आई है, ठीक है, एक न्यू कंपनी आई है और उनका ये दावा है कि हम आपके घर के ऊपर एक गैराज बना सकते हैं। मतलब घर के ऊपर आप कुछ भी बनवा सकते हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में बना देती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये दावा है। तो मैंने उनको बुलाया है, वो जैसे ही मैं निकलूँगा आ जाएंगे यहाँ पर। और वो लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लेके जो जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ से लेके मैं आधा रोड का हिस्सा कवर करूँगा और वहाँ ऊपर तक का बनवाना है, मुझे गैराज ही बनवाना है पूरा भयंकर वाला। देखते हैं वो लोग क्या कर पाते हैं क्या नहीं, तो वो तो उन लोगों को ही पता होगा जो भी वो करेंगे। तो उतने हम चले चलते हैं, पहले कपड़े खरीद कर आते हैं। ओके चलिए। पर वैसे दोस्तों जो वो कपड़े ख़रीदने की जगह है वो यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। ओके ओके ओके, मेरे को थोड़े इम्पोर्टेंट कपड़े चाहिए, मेरे को बिल्कुल ही मतलब ऐसे मतलब फुद्दू टाइप का नहीं लगना है उस दिन, मुझे बहुत अच्छा लगना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कलवे को लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा कलवे आज मैं दिलाऊंगा तुझे अपनी पसंद से, कलवा कभी कभी अपनी पसंद से ले आता है, मैंने कहा मेरे साथ चल अपनी पसंद से। इसके बाद जितने भी कपड़े हैं ना सब में फुद्दू ही लगता है, सच्ची बता रहा हूँ वैसे मैं। अरे सही, अरे सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी, अरे सॉरी, ये तो गलती से लग गया यार, तो आप तो बिल्कुल ही बातों को सीरियस ले रही हो। हाँ मैंने कहा भैया मैं तो, और अंकल जी कैसे हो, बढ़िया। वैसे सब जानने वाले दोस्तों मेरे यहाँ पे, टेंशन की कोई बात नहीं है यार, सब जानने वाले हैं। अभी तो देख रहे हैं यहाँ से आते हुए मुझे बाइक कुदाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत बार पर कुदाने के चक्कर में दोस्तों गिरना भी पड़ा है। और इतनी भारी बाइक्स होती हैं, स्प्लेंडर स्प्लेंडर तो नहीं है ये भी जो है ना, ये जो मैं बुलेट भी दोस्तों चला रही है, बुलेट भी कम से कम 800-900 सीसी का है, 1000 सीसी से नीचे की तो बाइक ही नहीं चलती यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ 1000 सीसी से नीचे की बाइक नहीं चलती है। और ये आज कपड़े वपड़े खरीदते हैं, चलिए आ जाओ चलो। हेलो मैडम, ये खुद ही मेरे को हाई क्लास की लग रही हैं। चलिए सबसे पहले स्वेटर देखते हैं, यहाँ पे नीचे पैंट्स, वैसे मुझे सब वो ओके ओके। खैर मैंने दोस्तों सब कुछ परचेज कर लिया। ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए। ओके 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 दोस्तों मैंने सब कुछ जो है सब कुछ परचेज कर लिया मैंने। ओके खैर मैंने सब कुछ तो परचेज कर ही लिया है। शूज, देयर यू गो, थैंक यू। ओके 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 ओके, ऐसा कोई चीज नहीं मैं इनकी दुकान पे छोड़ूंगा जो मेरे पास ना हो। ओके ग्लैड यू फाउंड व्हाट यू वर लुकिंग फॉर। खैर मैंने ले लिए शूज, मैंने ज्यादा नहीं खरीदे सूट। ओके 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 ओके, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सारे सूट खरीद लिए जो फुल सूट्स है। स्पोर्ट्स वेयर, ओके और कुछ नहीं है इनके पास। इयर रिंग्स, एंजॉय योर परचेस। ओके दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओके खैर अभी वो जो घर बनाने वाले हैं उनका भी फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है, उनको भी मिलाना है मैंने, शायद वो शाम तक आए, तो शाम वाली वीडियो में देखना। अरे यार चेंजिंग रूम अंदर बना रखा है, वैसे बनियान यहाँ पर इन मैडम ने क्यों लगा रखा है, यहाँ पर बनियान भी मिलते हैं। We appreciate your business. ओके Tell your friends where you got it. ओके ओके मैं अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊँगा। खैर बनियान ही पहन लेता हूँ।
इधर पीछे एक ट्रायल रूम है, यहाँ पर भी ट्रायल रूम है। वैसे कलवा भैया बॉडी बॉडी तो बहुत सही बना रखी है यार कलवे ने, है ना, मस्त बॉडी बना रखी है दोस्तों। बैठने बैठने का भी सही है, जुगाड़ पानी तो देखो सब कुछ सही है। जैकेट्स ले लेते हैं, तीन मिलती हैं यहाँ पर, ये खरीद ली हमने। वेस्ट, अरे हाँ वेस्ट ली थी। ओके थैंक यू, ओके मैंने सारी वेस्ट खरीद ली दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता है ना तुम्हें कि कितना शौक है तुम्हारे भाई को इन सारी चीज़ों का। और मैंने सब कुछ इनकी दुकान पर जो सब कुछ था मैंने सब कुछ परचेज कर लिया है। फिलहाल अभी तक मेरी जो है दोस्तों लाखों रुपए तक की, लाखों से ऊपर पहुंच गई इस दुकान की शॉपिंग। यहाँ आऊँगा ही, आप मुझे तो बुलाओगी, मेक श्योर यू कम बैक, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉपिंग जो कर ली है, जो कपड़े हैं मेरे घर पर डिलीवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि साथ में जो आए साथ में कपड़े लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज बहुत दिन हो गए हैं, एक बार क्लीन शेव भी करा ली जाए दोस्तों, है बहुत दिन हो चुके हैं आज। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर कह रहे थे यार भैया कराओ कराओ कराओ, मैंने कहा चलो ये भी कराते हैं यार आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ना कराए हुए। हेलो भाई कैसे हो? हाँ हाँ बैठ रहा हूँ, वो ज़्यादा ही बोल रहा है यार ये तो है। चलो ठीक है, हेयर स्टाइल ओके, गंजा तो अच्छा नहीं लगूँगा इन बालों में, अच्छा लगूँगा। वैसे हेयर स्टाइल तो मेरी यही सही है यार दोस्तों, है ना। बियर्ड देख ले यार तू, साइडों से रख दे, क्लीन शेव तो देख करवानी नहीं है। फ्रेंच रख लेता हूँ दोस्तों, है या नहीं, या फ्रेंच भी ना रखो, क्लीन शेव कुछ दिनों के लिए क्लीन शेव ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि लौंडा टाइप का बन के घूमूंगा ना तो ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है लौंडियों पे। तो या 50 डॉलर्स करीबन एक यहाँ पर दोस्तों, एक शेव करने के मेरे पूरे पैसे लगे, एक शेव करने के मेरे पूरे कम से कम $50 आप लगा लो, 2500-3000 रुपये के आसपास लग गए। एक शेव के 3000 से भी ज़्यादा रुपए लगते हैं, तो तुम देख लो कितना पैसा लगता है। ऐसे ही उतना पैसा तो दोस्तों बर्बाद होता है, तो कलवे के पास पैसा कितना होगा आप खुद ही एक बार अंदाज़ा लगा लो भाई लोग, खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो आज मैं ना पूरी तैयारी करनी है मुझे उत्तरी बेशिट यार शिट। अब ये बाइक को भी एक बार ठीक करवानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ही देख रहा था अमेज़ॉन का जो कुछ है हमारा पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, ये अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग अमेज़ॉन। अच्छा चलो कस्टम्स में भी चलते हैं, मेरे हिसाब से बहुत हो रहे थे यहाँ से कस्टम्स भी होते हुए चलते हैं दोस्तों। या मैजिक टच के लिए तो आया भैया, 180 डॉलर्स ओके ओके। कुछ दिनों के लिए फेरी हटाओ, ओहो ये बुलेट वाला स्टाइल लग रहा है इसका, फ्यूल टैंक ओके ये सही लग रहा है, हॉर्न ये तो सही है, हेडलाइट्स एग्जॉस्ट लाइट्स ये है, रेसर प्राइमर मेटालिक इसको मैं करवाऊंगा ब्लैक, ब्लैक कलर इसको हल्का सा बुलेट वाला लुक दे रहा हूँ दोस्तों मैं ओके। व्हील, व्हील टाइप फ्रंट व्हील, अब ये जो व्हील भी है ना हल्के चेंज ही कराने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एकदम है ना एकदम बुलेट जो है ना एकदम अपने अलग से रूप में आया। आई होप कि आप सब लोग समझेंगे। या तो यह इसको भी मैं सेम जो है चीज़ें करवा लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको अब अलग करवाऊँगा।
रेड टायर टायर डिजाइंस ओके। चलो बुलेट को भी मैंने कहा बुलेट भी साथ के साथ जो है दोस्तों हो ही गई है, क्योंकि अब बुलेट के चक्कर में मैं रुकता तो बहुत हो जाता। चलो खरीदारी भी कर ली, बुलेट को भी एक नया सा लुक दे दिया, बहुत दिन हो गए थे इसको भी लुक नहीं कर रहा। फेयरिंग वेयरिंग तो लगती रहती है, ऐसे अच्छी चल रही है, पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रही है मेरे को, लग तो रही है, अब देखेंगे। अब कपड़े की दुकान एक पीछे भी है। अरे शुक्रिया, खैर ये वाली कपड़े की दुकान ही है, मेरे को यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। कम से कम बहुत तगड़ी स्पीड में चल रही है दोस्तों बाइक, बहुत तगड़ी स्पीड पर। हाँ दिल विच तेरे लई टाइम कट के करदा मैं प्रॉमिस मिलन आऊँगा। अच्छा खैर मुझे यहाँ से कपड़े तो चाहिए थे और मैंने कहा और भी लेते हैं। हेलमेट ही फेंक दिया कल उन्हें। चलो शुरुआत की जाए शर्ट से, तो यार रेड शर्ट ले लेता हूँ, यहाँ से रेडी होकर निकलता हूँ दोस्तों। ओके खैर मुझे शर्ट चाहिए, वाइट शर्ट पहन लेता हूँ, वाइट शर्ट ज़्यादा क्यूट लग रहा है मैं वाइट शर्ट में। और पैंट लेता हूँ उसके ऊपर रेड, रेड पैंट लूँगा ना बड़ा मस्त लगूंगा। अरे कहाँ गई, ये अब भी तो कुछ लगा हूँ दोस्तों है। और हैट्स तो मेरे को चाहिए नहीं, हैट्स का शौक नहीं रहा इतना, हैट्स का शौक भी नहीं है दोस्तों इतना, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारी हैट्स पहन चुका हूँ तो मेरा मन नहीं है। नो हैट, ग्लासेस देखता हूँ। ओके वाइट कलर के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे पे। अब ये सब हो गया, ये होने के बाद शूज ले लेता हूँ। ओके वैसे शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहा हूँ। अब कलवा जो है दोस्तों क्यूट मुंडा लग रहा है, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। अब हम चलते हैं पार्टी में जहाँ हम जाने वाले थे और हमने कपड़े खरीद लिए दोस्तों। तो ये आज की बस जो खरीदारी वाली वीडियो थी और जो घरों का मैंने आपको बताया वो जल्दी मैं करवाने वाला हूँ। तो एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइए कौन कौन एक्साइटेड है वो सारी चीज़ देखने के लिए। कल वो आज कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, खरीदारी वाली वीडियो किस तरीके की, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। ओके तो मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।